हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क कंप्यूटर एजुकेशन। और आई होप आपको पहले के चैप्टर और टॉपिक्स क्लियर हैं, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। यहाँ पे आज हमारा जो नया चैप्टर है उसका नेम है पेज सेटअप बॉक्स। पेज सेटअप बॉक्स, इसका यूज ना पेज के सेटअप के लिए होता है, यानी कि पेज का साइज सेट करना है, उसका मार्जिन सेट करना है और उसका ओरिएंटेशन सेट करना है। तो आइए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे इन ऑप्शन के अलग अलग यूज है। हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे पेज सेटअप बॉक्स। पेज सेटअप बॉक्स एक्सेल में क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, कैसे कैसे हम इसका यूज करते हैं, ये सब चीजें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके कुछ ऑप्शंस बता देती हूँ और वन बाय वन हम एक एक करके ऑप्शंस को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन इसका आता है मार्जिन्स। मार्जिन्स आपको अपनी सेल का, अपनी फाइल का मार्जिन का चेंज करना है, मार्जिन्स की पोजीशन चेंज करना है। तो मार्जिन्स की पोजीशन चेंज करने के लिए आप यूज करेंगे इस ऑप्शन का। देन ओरिएंटेशन आता है। ओरिएंटेशन का यूज होता है आपके पेज को आपको लैंडस्केप में करना है या पोर्ट्रेट में करना है। पोर्ट्रेट का मतलब है मतलब लंबे में, जब आपका प्रिंट होगी ना कोई फाइल तो वो लंबे में होगी, और लैंडस्केप में होता है चौड़ाई में, मतलब जो विड्थ में होती है फाइल वो होती है। देन साइज, आपको अपने पेज का साइज चेंज करना है, A4, A3, A5। प्रिंट एरिया, यानी कि आपको अपने प्रिंट का एरिया सिलेक्ट करना है। तो पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, ब्रेक्स देने हैं, प्रिंट के टाइटल्स देने हैं। ये सारे वन बाय वन ऑप्शंस हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा मार्जिन्स आता है। मार्जिन्स पे जाने के लिए Alt-PM। तो यहाँ पे दो प्रकार के हमारे मेन मार्जिन्स होते हैं, पहला होता है वाइड, दूसरा होता है नैरो। वाइड और नैरो, वैसे आपको ये पता कैसे चलेगा कि कितना मार्जिन्स हो रहा है हमारा? जब भी आप प्रिंट करोगे ना अपनी कोई फाइल, तब आपको पता चलेगा क्या हो रहा है मार्जिन। जैसे मैंने नेम लिखा यहाँ पे, मार्जिन्स आप देखने हैं आपको तो कंट्रोल पी के साथ मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मेरा मार्जिन छूट रहा है। ओके, इतना मार्जिन मेरा बच रहा है, इतना मार्जिन नीचे से जा रहा है, ऊपर से भी जा रहा है। ओके, तो यही मार्जिन है। अब मुझे वाइड करना है, वाइड करना, Alt-PM, यहाँ पे मैंने वाइड कर दिया। ओके, वाइड कर दिया, कंट्रोल पी करके दिखाऊं तो मैं, देखो आपको थोड़ा सा ना, ये जो था पहले थोड़ा आगे था तो अब वाइड हो गया है, मतलब ये स्पेस थोड़ा ज्यादा छोड़ रहा है। तो इसी तरीके से हम मार्जिन्स का यूज करते हैं। Alt-PO करके हम ओरिएंटेशन पे पहुंच सकते हैं। ओरिएंटेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में हम लंबाई में अपना कोई प्रिंट निकालते हैं, लैंडस्केप में चौड़ाई में। देखो, कंट्रोल पी करके आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं, देखो हमारा किस तरीके से पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है, ये देख सकते हैं आप। अभी हमारा लंबाई में हो रहा था, अब ये चौड़ाई में हो रहा है, राइट ना, चौड़ाई में ज्यादा पेज जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दो प्रकार के प्रिंट होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा साइज के, तो यहाँ पे साइज चेंज करना है आपको। Alt-PSZ प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कई सारे साइज आ जाते हैं, लीगल आ जाता है, A4, A3, B5, B4। तो मुझे यहाँ पे A3 साइज करना है, तो A3 साइज भी मैं काफी अच्छे से कर पाती हूँ पेज का। ओके, जैसे आप देख रहे हो ये सिलेक्शन पहले यहाँ आ रहा था, जब मैंने A3 कर दिया तो थोड़ा और आगे पहुंच गया। हमने डेटा बना लिया है यहाँ पे, और पेज लेआउट में आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट एरिया, यानी कि आपको अपना प्रिंट करना है लेकिन पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पे अब मैं देखो, ये डेटा मेरा है जो मेरे को प्रिंट करना है, बट यहाँ पे क्लास भी साथ में आ रहा है, बट मुझे ये क्लास नहीं इंसर्ट करना, मतलब प्रिंट में नहीं चाहिए, प्रिंट के में नहीं चाहिए, ये सिर्फ दिखाना है मुझे एक्सेल की फाइल पे प्रिंट के लिए। उसके लिए हम इसका एरिया डिसाइड करेंगे, सेट करेंगे। प्रिंट एरिया सेट करने के लिए सबसे पहले आप सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर इतना एरिया जितना मुझे प्रिंट करना है। उसके बाद Alt-PR हम करेंगे, यहाँ पे आता है सेट प्रिंट एरिया। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट एरिया सेट हो गया है। तो अब जैसे मुझे प्रिंट निकालना है, तो देखिए कंट्रोल पी करो, तो अब आप देख सकते हो कि जो ये क्लास है जो आ रहा है ना वो नहीं आ रहा, बाकी सारी जो मैंने सेट किया था ना अपना प्रिंट एरिया वो आ रहा है, बाकी क्लास वगैरह नहीं आ रही। इसी को कहते हैं प्रिंट एरिया सेटिंग करना। अब मुझे हटाना है प्रिंट एरिया से, तो सिलेक्ट कर लो वापस से Alt-PR, क्लियर प्रिंट एरिया, अपना प्रिंट एरिया क्लियर कर दो। अब देखो कंट्रोल पी से, अब देखो क्लास भी आ रहा है, मंथ भी आ रहा है, जनवरी भी आ रहा है,
ओके, तो इस तरीके से हम अपना एरिया क्या है प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है ब्रेक, आपको यहाँ इस सेल के बाद ब्रेक करना है पेज को, ऑल्ट पी बी कर दो, इंसर्ट पेज ब्रेक। ओके, इसके बाद हमारा पेज क्या है ब्रेक हो जाए। इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है प्रिंट में कंट्रोल पी, जब भी आप करोगे तो देख सकते हो आप नीचे का जो नेक्स्ट पेज है वो नहीं आ रहा मेरा, देख सकते हो आप हमारा नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा, बाकी ऊपर का डेटा मेरा आ रहा है, जहां तक मैंने पेज ब्रेक लगाया था वहां तक मेरा डेटा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आपको पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए यूज करेंगे ऑल्ट पी जी। ऑल्ट पी जी जैसे आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे पेज का बैकग्राउंड हमारा ऑनलाइन आएगा। इसके लिए आपके पास नेट कनेक्शन होना जरूरी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे ऑफलाइन आ जाए तो ऑफलाइन के लिए फ्रॉम द फाइल कर दो, सिलेक्ट पिक्चर्स कर दो यहाँ पे और इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड में बैकग्राउंड इंसर्ट कर दिया है। सो अब आपको रिमूव करना है यानी कि डिलीट करना है पेज बैकग्राउंड, तो उसके लिए यूज करेंगे ऑल्ट पी जी। ऑल्ट पी जी हमने दोबारा से प्रेस किया तो हमारा पेज बैकग्राउंड क्या है रिमूव हो गया। देन इसके बाद यूज होता है प्रिंट टाइटल्स, टाइटल्स इसके प्रिंट करने हैं तो उसके लिए ऑल्ट पी आई कर दीजिए आप। यहाँ पे प्रिंट एरिया डिसाइड, देखो ये रहे, जैसे यहाँ पे आप गए यहाँ पे आपने प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर लिया, ये रहे हमारे प्रिंट टाइटल। ओके ओके कर दो, कंट्रोल पी आप दबाओगे तो यहाँ पे मेरा जो टाइटल है ना जितना मैंने सिलेक्ट किया सिर्फ वो प्रिंट होगा। ऑलराइट, सो ये थोड़े से प्रिंटिंग लाइन में ज्यादा आ जाता है इसका यूज पेज सेटअप का, और काफी सारे मतलब यूजर्स यूज करते हैं इसका, यूज भी करते हैं, काफी ज्यादा यूज भी है। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कैसे हम पेज सेट करते हैं, किस प्रकार हम अपने पेज का साइजिंग सेट करते हैं, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें दिए गए गिवन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके बाद इस चैप्टर के बाद ना प्रैक्टिस कीजिए इस चैप्टर की। तो यहाँ तक के लिए ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।